नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। खबरों की खबर को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, कई सांसद विधानसभा की टिकट मांग रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि कहीं लोकसभा में मोदी का टिकट ना काट दें। ऐसे में बात की जाए तो लगातार अंदर से खबरों की खबरें निकल के सामने आ रही है। वहीं अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं, जो दिल्ली से निकले हुए नेता हैं, दिल्ली के नेता हैं, वे मध्य प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं और लगातार मध्य प्रदेश की हर विधानसभा पर जा रहे हैं और अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जिसे लेकर लगातार खबरों की खबरें निकल के आ रही है कि कोई ना कोई गोपनीय रणनीति दोनों पार्टियों की जो है जमकर चल रही है। अगर अब बात करें तो कांग्रेस की बात करें तो जिस तरीके से ऐसा लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस विधानसभा चुनाव को लेकर अपने प्रत्याशियों के उम्मीदवारों के ऐलान को लेकर कोई गोपनीय रणनीति पर काम कर रही है, छुपे एजेंडे पर काम कर रही है, क्योंकि तस्वीरें जिस तरीके से और जिस तरीके की खबरों की खबरें निकल के आ रही है उसे लेकर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रत्याशियों के ऐलान होने के बाद ही कांग्रेस अपने प्रत्याशी ऐलान करेगी। क्योंकि जिस तरीके से कहा यह भी जा रहा है कि खबरों की खबरें निकल के ये सामने आ रही है कि कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी तय कर दिए हैं और सिर्फ उनको इशारा कर दिया गया है और वो ज़मीन पर काम कर रहे हैं। जिस तरह की तस्वीरें अगर बात करें तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मंदसौर की, जहां पर कमलनाथ जब मंदसौर आए थे, जीतू पटवारी हाल ही में जब जिस तरीके से जन आक्रोश यात्रा को लेकर वहां से शुरुआत करी पशुपतिनाथ मंदिर में आशीर्वाद लेने के बाद, और जो तस्वीरें सभाओं की निकल के सामने आई उसे लेकर लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी तय कर लिए हैं। और खबरों की खबरें ये निकल के सामने आ रही है कि जिस तरीके से मंदसौर से अगर बात करें तो विपिन जैन यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं, महेंद्र गुजर यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं, गिरिराज सिंह यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं, और जिस तरीके से स्थान और जिस तरीके से तवज्जो विपिन जैन को दी गई, तो क्या खबरों की खबर ये है कि विपिन जैन को कांग्रेस ने प्रत्याशी बना दिया है। जिस तरीके से मंच पर जिस तरीके से खड़े रहते हैं तमाम बड़े नेताओं के साथ, तो क्या विपिन जैन यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, ये खबरों की खबरें निकल के सामने आ रही है। अब अगर बात करें तो मलारगढ़ की बात करें तो मलारगढ़ से श्यामलाल चोकचंद यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं, परशुराम सिसोदिया यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं, ब्रजेश माल्या जो है यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं, तरुण खींची यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं। तो इसमें अगर बात करें जिस तरह की तस्वीरें निकल के सामने आई थी, जिस तरह कमलनाथ पिपलिया मंडी पहुँचे थे, उसके बाद जीतू पटवारी जब मलारगढ़ पहुँचे तो वहाँ की जो तस्वीरें निकल के आई, तो वहाँ पर खासकर अगर बात करें तो श्यामलाल जोगचंद को एक बड़ी तवज्जो तमाम बड़े नेताओं के द्वारा दिए जाने पर तस्वीरें वायरल हुई। खबरें ये निकल के सामने आई कि क्या यहाँ से श्यामलाल जोगचंद को यहाँ से कांग्रेस ने हरी झंडी दे दी है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। जिस तरीके से तवज्जो दी गई, जिस तरीके से मंच दिया गया, और जब भाषण जब तमाम बड़े नेताओं का होता है, कमलनाथ की बात करें या फिर जीतू पटवारी की बात करें, तो जिस तरीके से नेता उनके पास में खड़ा होता है, जिस तरीके से जब टिकट का ऐलान हो जाता है उसके बाद जो सभा होती है, और जिस तरीके सभा के पास में एक उम्मीदवार खड़ा होता है और हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, उससे उसी तरह की तस्वीरें जो है टिकट के ऐलान से पहले ही देख कांग्रेस में देखने को मिल रही है। इसे लेकर लगता है कि कहीं ना कहीं खबरों की खबर ये है कि क्या मलारगढ़ से श्यामलाल चोकचंद यहाँ से दावेदार होंगे, क्योंकि यहाँ से परशुराम सिसोदिया भी दावेदारी कर रहे हैं, तरुण खींची भी दावेदारी कर रहे हैं। अब अगर बात करें सुवासरा की, तो सुवासरा को लेकर अभी सभा होनी जो जीतू पटवारी की बाकी है, लेकिन उससे पहले मंदसौर में जिस तरीके से राकेश पाटीदार को यहाँ पर तवज्जो दी गई है, उनके पास में खड़े रहे सभा में और हाथ जोड़ के खड़े देखे गए, तो ऐसा लगता है और खबरों की खबरें ये है कि क्या यहाँ से सुवासरा से राकेश पाटीदार को कांग्रेस ने हरी झंडी दे दी है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। क्योंकि यहाँ से ओम सिंह भाटी भी यहाँ से लगातार दावेदारी कर रहे हैं, बालू सिंह यहाँ से कांग्रेस की तरफ से दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें और जो खबरों की खबरें निकल के सामने आ रही है, तो ये माना जा रहा है कि क्या राकेश पाटीदार सुवासरा से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के सामने दावेदार होंगे। ऐसे में अगर अब बात करें नीमच की बात करें, तो जिस तरह की नीमच में भी ये तस्वीरें देखने को मिली, जहाँ पर नीमच में कांग्रेस की तरफ से दावेदारी कर रहे हैं तरुण भारती, मधु बंसल दावेदारी कर रही है, साथ ही यहाँ से हरीश दुआ दावेदारी कर रहे हैं, उमराव सिंह गुजर दावेदारी कर रहे हैं, नंद किशोर पटेल जो हैं पूर्व विधायक हैं वे भी यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं। तो क्या जिस तरह की तवज्जो जीतू पटवारी ने दी है, जिस तरह की तवज्जो कमलनाथ ने दी थी, उस वक्त भी जो है उमराव सिंह गुजर कमलनाथ की सभा में पास में खड़े नजर आए थे, और जिस तरह की तवज्जो जीतू पटवारी ने दी पूरे काफिले में, जिस तरीके से उमराव सिंह गुजर को लेकर अपने साथ घूमते नजर आए, तो क्या यहाँ से उमराव सिंह गुजर का टिकट फाइनल कर दिया गया है, क्या उनको यहाँ से तय कर लिया कांग्रेस ने कि इनको मैदान में उतारना है, जिस तरह की तस्वीरें यहाँ से निकल के सामने आ रही है। अब अगर बात करें जावत की, बात करें तो जावत से
समंदर पटेल यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं, सत्यनारायण पाटीदार यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं, राजकुमार अहिर यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन जो तवज्जो कमलनाथ ने समंदर पटेल को दी है, जो तवज्जो जीतू पटवारी ने समंदर पटेल को दी है, तो क्या जावद से समंदर पटेल फाइनल हो चुके हैं? सिर्फ ऐलान होना बाकी है। ये खबरों की खबरें अंदर से निकल के सामने आ रही है। जो तस्वीरें देखने को मिल रही है उससे देखकर लगता है कि कांग्रेस अंदर ही अंदर कोई बड़ी रणनीति पर काम कर रही है, एक गोपनीय एजेंडे पर काम कर रही है। और अब जिस तरीके की तवज्जो नेताओं को दी जा रही है और जिस तरीके का इशारा कमलनाथ ने किया था कि हमने अपने कैंडिडेट तय कर लिए हैं, इशारा कर दिया गया है और सिर्फ उनको उनके नामों का ऐलान होना बाकी है, तो क्या इस तरह की तस्वीरें मंदसौर से लेकर जावद तक देखने को मिली, तो ऐसा लगता है कि कहीं कहीं ये उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं। साथ ही मनासा की बात करें तो मनासा में तस्वीरें थोड़ी अलग देखने को मिली। वहाँ पर नरेन नाटा को भी तवज्जो दी गई, संगई को भी तवज्जो दी गई और इंद्रमल पामेचा को भी तवज्जो दी गई। जिस तरीके से जन आक्रोश यात्रा में जीतू पटवारी के साथ ये तीनों ही नेता जो है काफिले में एक साथ नजर आए, तमाम सभाओं में एक साथ नजर आए, तो क्या यहाँ पर अभी टिकट को वितरण को लेकर कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है या फिर अभी नाम तय नहीं हुआ है? जिस तरीके से नेताओं को तवज्जो दी गई तो लगता है कहीं ना कहीं जहां पर सिंगल नेता तमाम बड़े नेताओं के साथ खड़े थे, तो क्या उन नेताओं को कांग्रेस ने इशारा कर दिया है? जिस तरह का बयान कमलनाथ का था, तो ऐसे में लगता है कि अंदर की खबरों की खबर ये है कि कांग्रेस क्या अपने उम्मीदवार तय कर चुकी है। लेकिन हम खबरों की खबर में इन तस्वीरों के आधार पर आपको बता रहे हैं, जिस तरह की खबरें बाजार में हैं, जिस तरह की चर्चाएं बाजार में हैं, उन चर्चाओं को लेकर मैंने आपको अपडेट बताया। जिस तरीके से लोग बातें कर रहे हैं, खबरें चौपाल पर जो है खबरें पढ़ रहे हैं, खबरें बता रहे हैं कि जिस तरीके से जिस नेता को तवज्जो दी गई, इस नेता को तवज्जो दी गई, ये नेता उसके साथ लगातार खड़ा था, तो क्या कांग्रेस ने इसको उम्मीदवार बना दिया? इस तरह की खबरों को लेकर मैंने आपको अपडेट बताया। इस तरह की अपडेट के लिए मैंने हमारे साथ जय हिंद जय भारत।